हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा ऑडिटिंग का चैप्टर 16 चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स का आज ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ऑडिट हमने कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले वीडियो में, सॉरी मुझसे गलती हो गई। आज हम इसमें पढ़ेंगे टैक्स ऑडिट, ठीक है। क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है। कैन बी कंडक्टेड By an accountant, ठीक है, XCA, example CA, ठीक है। ये किसके द्वारा conduct किया जाता है, accountant, जैसे कि CA, ठीक है। इसका audit करने के लिए हम लोग CA को hire करते हैं। The CA may not be practiced, ठीक है। CA क्या होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि CA से ही कराना है, जैसे कि कोई भी CA या कोई normal accountant से भी करा सकते हैं। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द एक्सेस, ठीक है। इसको एक्सेस कराने के लिए हमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। द ऑडिटर वाइल एक्सेप्टिंग द टैक्स ऑडिट असाइनमेंट कम्युनिकेट विद द ऑडिटर हु हैड कंडक्टेड सच द ऑडिट इन अ प्रीसीडिंग ईयर एज इज रिक्वायर्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, ठीक है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट है उसके तहत क्या करता है, जो भी ऑडिटर को हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो क्या करता है, इसके पिछले ईयर्स में जो भी जिन लोगों ने भी इस कंपनी का अकाउंट्स को क्या किया होता, ऑडिट किया था, उससे क्या करेगा, वो कम्युनिकेट जरूर करेगा, ठीक है। द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट और दोस चार्ज विद गवर्नेंस शुड बी एग्रीड अपॉन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट सेक्शन ए 2210 एंड इट शुड बी सेंड टू द ऑडिटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है। ये क्या किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट और अथॉरिटी होती है और जो भी मैनेजमेंट होता है, वो दोनों क्या होने चाहिए, जो सेक्शन ए 210 उस पर क्या होने चाहिए, आप एग्रीड होने चाहिए, और इसका क्या करना चाहिए, लेटर जो है वो क्या, एक एग्रीमेंट का लेटर क्या करना चाहिए, ऑडिटर को भेजते हैं वो लोग, ठीक है, कि इंगेजमेंट का। कैन नॉट बी कंडक्टेड बाई द एम्प्लॉय ऑफ द CA ऑफ अ कंसर्न, ठीक है। जो CA का एम्प्लॉय होता है उसके द्वारा हम लोग इसको नहीं करा सकते हैं। नॉट एन इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाई द CA और हिज पार्टनर ऑफ फर्म हु इज़ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो CA हो या पार्टनर हो या फर्म का जो भी पार्टनर हो, जो भी क्या करता हो, अकाउंट्स मेंटेन करता हो, उसको भी क्या करते हैं, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वेरियस एनेक्सर्स टू द ऑडिट रिपोर्ट authenticated by the accessee should be obtained by the auditor, ठीक है। वो क्या करता है, हर अलग अलग चीज़ को क्या करता है, authenticate करता है, मतलब जानता है समझता है जो उस बिजनेस को चला रहा होता है उससे, ठीक है। The auditor shall take into account sealing of assignment of tax audit before accepting the appointment, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक सीलिंग की वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट से पहले ही उस कंपनी की क्या, जैसे उसको लेटर जब जाता है तो उस क्या करता है, उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पहले ही जान लेता है, तब क्या करता है, अपॉइंटमेंट वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, ठीक है। टैक्स ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द मैनेजमेंट ऑन सर्टेन वैलिड ग्राउंड, ठीक है। एक टैक्स ऑडिटर जो होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, कुछ उसके अगर कुछ वैलिड रीज़न हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। व्हाइल रिपोर्टिंग कंसीडर वेरियस रिलीवेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अगर वो क्या कर देता है कि जैसे कि कुछ रिलीवेंट चीज़ें होती है, अगर उनको भी वो रिपोर्ट कर देता है, दिखा देता है, ठीक है, जो बिजनेस में नहीं दिखानी चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। एज पर प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्स ऑडिट ऑफ एन एक्सेसी हु इज इनडेप्टेड मोर देन ए स्पेसिफिक लिमिट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जैसे कि जो एक टाइम पीरियड होता है, अगर कोई कंपनी या कोई जो भी एक्सेसी है, तो एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से क्या कर सकता है, वो जो एक उसको लिमिट दी जाती है डेप्ट की, उससे ज़्यादा अगर वो एक्सीड करता है तो
उस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यही बोला गया, यही होता है हमारा टैक्स ऑडिट, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इसके या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा आई बटन ज़रूर चेक करिएगा ताकि आपको पता चल सके मैं किस किस सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ बनाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।